यार भाई गाड़ी सच में चोरी हो गई यार, सच बता रहा हूँ। गाड़ी गई कहाँ जब सारे यहाँ ही हैं, तो गाड़ी चोरी हो गई क्या यार? इनसे पूछो ना। यहाँ ही तो खड़ी थी, पीछे गाड़ी खड़ी करी थी मैंने यार। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बड़ी खतरनाक हो रही है। 4:30 बजे मैं और मेरे 2-3 दोस्त हैं, हम सब निकल रहे हैं कोटपुतली, मतलब यहाँ से अराउंड 125 किलोमीटर दूर है। और हमें कोई काम है, उस काम की वजह से हम जा रहे हैं, तो 125 किलोमीटर वो दूर है। सबसे पहले तो मैं जैश को लूँगा, जैश के बाद विजय, हिमांशु, शिवम गाबा हमारे भैया, सब साथ के अंदर होंगे। गाड़ी पीछे खड़ी है, हम सब साथ में जाने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं मीटर को जीरो कर देता हूँ। मैंने मीटर को जीरो कर दिया, मैं इस वक्त घर पे हूँ। अब मैं वापस जाके जब घर पे आ जाऊँगा तो मैं देखूँगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली। चलो गाइस, अब चलते हैं सबसे पहले जैश के घर। और विजय, हिमांशु भैया ये सब निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए, वो आ रहे हैं, फिर हमको दिल्ली रोड पकड़नी है, तो लेट हम कर नहीं सकते, तो फटाफट निकलते हैं। As usual, मैं जैश के घर वापस खड़ा हूँ और वो अभी तक नहीं आया। हमेशा लेट करता है। और ये आ गए हमारी विजय की ट्रॉली। सो गाइस, विजय भी आ चुका है और अब हम निकलने वाले हैं। इनकी गाड़ी यहाँ पार्क करवाएंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे। आ जाओ, जाओ गाड़ी के अंदर बैठो सारे के सारे। आ जा भाई। लाइट वाइट बंद कर दे। सो गाइस, हम यहाँ पे चाय पीने रुक चुके हैं और ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, मतलब कि कोई कमल होटल है। और ये विजय और हिमांशु भैया दोनों गए चाय का ऑर्डर देने। अब पता नहीं चाय वाय पे। और यहाँ का व्यू देख लो। और ये हमारे गावा जी। और ये कुंदानी, ये झाओ भाई, देखो सेल्फी से चालू जाता है। और यहाँ सेक खा रहे भाई, तू भी खा ले भाई सेक। वो इंसान तो अभी भी देखो वहाँ पे, मतलब कि सेल्फी के लिए रुका हुआ है, कोई ले जाएगा इसको बैठाएंगे। यहाँ अंकल जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। ज़्यादा सर्दी है तो मैंने कहा चाय एक केक चलती है भाई। पता है क्या बोलते हैं, चाय जब पियेंगे जब कचोरी आएगी। तो मैंने ठीक है भाई, लिया तो हूँ तुम्हारे लिए कचोरी, इनको क्या पता कचोरी मैं लाया हूँ। अब यार हम कहीं जाएं और कचोरी वाले कचोरा ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो कचोरी कचोरी भरी हुई है यहाँ पे। हाँ ये थैला ही उठा लेते हैं, इसको बंद करते हैं। और अब ये थैला कचोरियों का पूरा इन्हीं को देते हैं कि लो भाई खाओ जितनी खानी है। और ये, और आप सभी को बता देता हूँ, ये आज इंसान जल्दी आया था पहली बार, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग में नहीं लिया। लेके मैं सारी आया हूँ। लो बाबा जी, ये मेरा स्टाइल है। सो गाइस, हम सब बैठ गए वापस और फटाफट अब हम निकल रहे हैं हमारे काम के लिए। विजय आ रहा है। ये लेट लतीफ है, मतलब कि ये इंसान लेट करता है, लेकिन आज इसने आने में लेट नहीं किया, लेकिन चाय पीने में इसने जरूर लेट किया यार। Thank you.
सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कोटपुतली। हमको जो काम है वो मतलब कि तीन बंदे यहाँ उतर जाएंगे और एक है पंडितपुरा, कोटपुतली के आगे है लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे, तो हम दो जने आगे जाएंगे। सो गाइस तीन जनों को तो हमने उतार दिया और अब हम दोनों यहाँ रह गए। अब हम दोनों को जाना है, एक विलेज पड़ता है नांगल पंडितपुरा, तो अब हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हमको थोड़ा काम है, काम क्या है वो हम बता नहीं सकते ना यार, मतलब समझा करो आप। उसके बाद मतलब कि फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस, इन तीन जनों को उठा लेंगे और आगे चल देंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। सो गाइस ये कोटपुतली है और कोटपुतली से हम निकल चुके हैं पंडितपुरा के लिए। चार 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 चार, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कितने किलोमीटर है, चार, फिर बोलता हूँ कितने किलोमीटर, सवा चार, चार। इसका किलोमीटर बढ़ता ही है, कहाँ बता, सीधा सीधा। यार क्या खेत है यार, मतलब कि फैंटास्टिक वाले खेत हैं गाइस। देखो मतलब कि ऐसे खेत तो हमने केवल मूवी के अंदर देखे हैं, यहाँ तो वो DDLJ में हमारे यहाँ पे अभी जो हम भी बढ़ जाए ना शाहरुख खान, तो सच बोल रहे हैं पिक्चर हिट हो जाए वाली। अरे भाई तेरी कसम यार, यार तो खेत ही खेत दिख रहा है, लगी नहीं यार सही तो चल रहे है ना। पूछता हूँ अब, पूछता हूँ इसे सबके सामने, हाँ भाई आप कितने किलोमीटर, चार मिनट देखा अब बोल रहे मैं चार नहीं छोड़ना। तो गाइस ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब कि इस छोरे ने मेरे को लोकेशन पे चार मिनट कर करके ऐसी जगह पहुंचाया मतलब कि खेतों के बीच में, और बोला लोकेशन तो यहीं की थी। मैंने कहा यहाँ पे तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है ही नहीं हमारी, तो बताओ। तो मतलब अब किसी से हमने रास्ता पूछा है, उसने बोला भाई ऐसे ऐसे जाओ, ठीक है चार मिनट में बैठा हुआ है। सो गाइस अभी मतलब कि हम चले जा रहे हैं, मतलब कि हमको भी नहीं पता कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ मतलब कि पहुंच रहे कोई बिजली का कोई बताया बोर्ड। सो गाइस यहाँ हमको आना था जो पंडितपुरा मैं बता रहा था, वहाँ पंडितपुरा वहाँ हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको थोड़ा काम है। हिमांशु, जयेश और शिवम भाई, देख लो गिलेप पेठा बेटा, तुमको बोल रहा था गाड़ी से निकाल लो गिलेप पेठा, अब तुम लोगों ने तो निकाला नहीं, ठीक है, तो तुम लोगों को उतार के ये मजे ले रही है, देखो आराम से चार मिनट और हकीकत में अभी भी 4 किलोमीटर है यहाँ से हम जा रहे हैं, हकीकत में अभी भी 4 किलोमीटर है। तो चलो गाइस मैं अभी गिलेप पेठा खा लेता हूँ वो हम पहुंच गए थे, इन लोगों को हमने ले लिया, बाकी वीडियो हम आपको दिखा नहीं पाए, तो हमारे सारे काम जिस काम से हम आए थे सारे वो हो चुका है। अब हम जयपुर जा रहे हैं, जयपुर के रास्ते पे है और अभी भी 70 किलोमीटर है, मतलब कि 70 तो चल चुके हैं, 70 और है अभी, तो चलिए मिलते हैं जयपुर चल के। बात बता सच्ची सच्ची बताना मुझे, तू बड़ा आदमी है क्या, मतलब तू यार 300 रुपए का मास्क लगा के रहेगा है, हमने तो यार 10 रुपए वाला लगा रखा, वो भी फ्लिपकार्ट से मंगाया था 2 रुपए का पड़ा। तो यार ये 300 वाले में क्या एसी लगा हुआ होता है अंदर जिससे ऑक्सीजन आती जाती रहती है, हैं एडजस्टेबल तो हमारा भी है यार, ये देखे तेरे वाले में स्पेशली उठी है भाई यार, तेरे जूते 10,000 के, तेरे मास्क 300-400 रुपए के, वो भी एक, हम तो 300-400 रुपए में बोरा खरीद के लिए है मास्क का, वो रोज एक नया, तू वही मास्क लगाएगा एक साल तक, ऐसा है क्या? अरे यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर खा जाएगा यार। सो गाइस मतलब कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो मजाक करते रहते हैं, हमारा छोटा भाई है, मतलब कि यार ऐसा नहीं है, 10,000 की नहीं पहनता, पूरे 20,000 के पहनता है, ऐसे दिल मत तोड़ो इसका बोल के, बस 10,000 के
ये हमारा छोटा भाई है, ये 10,000 का 20,000 का ये 1,00,000 के जूते पहन सकता है और हमें 2,00,000 के दिला सकता है, तो फिर कब दिला रहे हैं आप हमें जॉर्डन पॉर्डन? और बाप रे बाप इतनी भीड़ भाई, मैं VIP हूँ क्या जो मेरे को अलग ट्रीटमेंट मिला है? मतलब कि देखो मेरे लिए लाइन अलग, और यार कितनी खतरनाक भीड़ है इसके पीछे। और यार बाबा रे बाबा, मैं यहाँ लग जाता हूँ। ये XUV भैया लड़ रहे हैं यहाँ पे कि मैं घुसूंगा। मत घुसो, हम तो यहाँ कटवा लेंगे पैसे। तो गाइस मैं एक अलग ही लाइन में घुस गया, मतलब अलग ही लाइन में। रश बहुत तगड़ा हो रहा है आज। अंकल जी बाल्टी लेके जा रहे हो और हंस रहे हैं, मेरे को जाने दोगे? अरे अंकल आपको कौन रोक रहा है, बाल्टी पे हंस रहे होगे? तू मेरे को इस लाइन मिल गया है, वो देख फ्री के अंदर निकल रहे लोग भाई यार। वो देख रोक दिया, ले वो बात अलग है, रोक दिया। नहीं पर VIP है, VIP की पैसे की जरूरी है कटने यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार भाई। गाइस इसके वजह से हुआ सब कुछ यार, मैं फ्री में निकल जाता उस टाइम अगर वो लाइन में लगा रहता तो। अब ये काटेगा मेरे पैसे? अरे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, अब वापस बोलो। हम लोग मतलब अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं यार, थोड़ा मतलब कि फेस वेस धो लेते हैं, ऑयली कुछ ज़्यादा हो रहा है, और वॉशरूम भी चले जाते हैं। तो गाइस मैं, हिमांशु भी, आप बाकी सारे भी जा रहे हैं। बाबा जी कैसे थक गए बाप? थकावट हो गई यार, आपने सुबह जल्दी उठा दिया। मैंने उठे बहुत जल्दी, उठा के लेके आया। ये नागरवाल हमेशा लेट करने वाला व्यक्ति यही है, लेकिन मैं जल्दी आ रहा। और वो कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया में जा रहा है तू? लेट गया, मैंने फोन किया था ना, तू उठाता है। हाँ भाई मैं तैयार, भैया मैं तैयार हूँ, आ रहा हूँ बस भैया, जूते पहन रहा हूँ। उसके आधे घंटे बाद फोन किया, तब तो ना मैं बोल रहा है भैया बस एपेक्स सर्किल पे हूँ, और गाड़ी का ना गेट बंद करने की आवाज़ आती है। मजाक तो कर मत गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी, और यहाँ गाड़ी लगा के हम अंदर वॉशरूम में गए थे, ठीक है? आपको दिख सकता है पेट्रोल पंप पे हम रुके हुए थे, यहाँ गाड़ी लगाई थी, और यहाँ से गाड़ी गायब है। मैं अंदर जाके बाहर आया ना, जब तक गाड़ी गायब है, और चाबी विजय के पास थी, विजय भी वो सामने घूम रहा। अब ये सारे यहाँ पे, लेकिन गाड़ी गायब तो सच्ची अच्छी बता दे भाई तुम, मैं तो सबसे लास्ट में आपके साथ गया था अंदर, मेरे को नहीं पता भैया। तो भाई मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, गाड़ी गई कहाँ फिर? यार भाई गाड़ी सच में चोरी हो गई यार, सच बता रहा हूँ, गाड़ी गई कहाँ जब सारे यहाँ ही है, तो गाड़ी चोरी हो गई क्या यार? यहाँ ही तो खड़ी थी, पीछे गाड़ी खड़ी करी थी मैंने यार। चीज़ बता, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, गाड़ी कहाँ रखी? गाड़ी की चाबी तेरे पास थी। अरे तो खड़ी थी, वो देखो तो क्या लिखा है, स्वयं की जिम्मेदारी में पार्किंग करें। तो भाई गाड़ी वहाँ खड़ी थी, चाबी तेरे पास थी, लिखा भाई जैश हकीकत बता, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी की चाबी तुम दोनों के पास ही थी। भाई गाड़ी मैंने खड़ी करी थी वहाँ पे, वहाँ वॉशरूम जाके हम आए, तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे जब लिखा है स्वयं, यहाँ पे कहाँ लिखा है? अब क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है आपकी। भाई तुम लोग सब मजाक कर रहे हो, गाड़ी कहाँ है? आप सभी को सच्ची अच्छी बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी, और इन लोगों ने गायब करी है। बात बताना चाहता हूँ, मैंने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पे, अंदर वॉशरूम करने में गया, गाड़ी की चाबी थी मेरी विजय के पास, ठीक है? और इन्होंने पता है वहां से गाड़ी घुमा के वो सामने खड़ी कर दी।
और बोलते हैं भैया ये वाली अपनी नहीं है, ये तो दूसरी है। मैं यार मैंने ये तो अपनी जैसी लग रही है, बोले नहीं ये वाली नहीं है। भाई झूठ बोलने की भी एक हद होती है यार। इस गाड़ी तो मिल गई, गाड़ी इन लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर दी मतलब की, और मेरे को झूठ बोल रहे हैं कि भैया गाड़ी तो आपकी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी तो चोरी हो गई, ऐसे बोले जा रहे। अरे भाई ऐसा होता है क्या? तो इन्होंने गाड़ी वहाँ से चाल स्टार्ट करके यहाँ ला के खड़ी कर दी और बोलते गाड़ी चोरी हो गई। ये देखो ये खड़ी गई इस गाड़ी ढाबे के आगे, और मैंने पेट्रोल पंप के आगे खड़ी करी थी, वॉशरूम गए थे, और ये सारे लास्ट में आए थे जितने भी दिख रहे हैं। गाइस फटाफट घर चलते हैं, थोड़े लेट हो चुके हैं। सो गाइस गाड़ी वाड़ी तो सब यहीं थी, कोई टेंशन की बात नहीं थी, इन लोगों ने छुपा दी थी। अब हम जयपुर के लिए निकल चुके हैं। मेरी दिल की धड़कने एक बार तेज हो चुकी थी, हकीकत बता रहा हूँ, मतलब कि एक बार तो ऐसा लगा था गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी मतलब बिल्कुल चोरी हो गई। गए बेटा आप कैसे चलेंगे जयपुर, लेकिन चलेंगे नहीं है। हम चल रहे हैं गाइस वापस गाड़ी के अंदर। सब इस विजय की वजह से हुआ था, इसने गाड़ी छुपा दी मेरी, मतलब मैंने गाड़ी खड़ी करी पेट्रोल पंप पे और वो ऑटोमेटिक ढाबे पे पहुंच गई इसके वजह से। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा मौका भी आएगा, आएगा आएगा। वो जूस कॉर्नर बोल लस्सी या जूस फटाफट। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और इनकी गाड़ी यहीं खड़ी है जैश के घर पे। जैश के घर उतरने वाले हैं ये, तो उससे पहले मैं इन सभी को एक बात सिखाई थी। अभी क्या सिखाई थी? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। तो चलो मिलते हैं, चलो भाई उतरो जॉब यार, अपने अपने ठिकाने दो, वीडियो को डिसलाइक नहीं कर दे। सो गाइस मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लाइक कर दो। मजाक कर रहे हैं, मैं बहुत सीरियस इस बात पे। ये डब्बा ले जा, अरे ले जा, अरे अरे सुन, अरे ले जैश गाड़ी में रख दे ये डब्बा। अरे ले यार भाई पकड़ 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 पकड़ा, अरे गाड़ी में रख दे यार, खा लेंगे यार, ले जा पीछे प्लीज यार। सो चलो गाइस चलते हैं। सो चलिए गाइस मैं तो आ चुका हूँ घर पे, मतलब कि घर पे क्या ये उधर उधर एक गली छोड़ के मेरा घर है। इनकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। सो चलो गाइस मैं चलता हूँ। ओके भाई, ओके ओके भाई, ओके ओके, रास्ते में भाई, रास्ते में। सो गाइस इन सभी को मैंने इनके ठिकाने पे छोड़ दिया। अब ये सब गाड़ी लेके अपने अपने घर जाएंगे, ये सारे यहीं आ गए थे। और अब मैं घर पे जा रहा हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या टाइम हुआ है। हम सुबह 4:30 बजे निकले थे और अभी का जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 1:15, 1:15 बजे तक हम जयपुर आ चुके हैं, ठीक है गाइस। और 260 किलोमीटर हुए हैं हमारे आना जाने। मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं आपको अब मीटर दिखा देता हूँ। ये मैंने जीरो कर दिया था, आप देख सकते हैं 261 है अभी, और मैंने इसको जीरो कर दिया था। तो 261 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला ली आने जाने की, और अब मैं घर आ चुका हूँ। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ हकीकत में, मतलब कि मेरा तो लकी खराब है आज, मतलब कि किसी कोने से, मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कि ये बेचारा गीजर केवल दिखाने का है क्या, केवल दिखाने का है, गर्म पानी तो देता ही नहीं है, देने का ही नाम नहीं है गर्म पानी कि दे दे। जब इसकी इच्छा करती है गर्म पानी देने का तो दे देता है, जब नहीं करती तो नहीं देता। अब आज जरूरत है मेरे को गर्म पानी की, नहीं देगा, और जब जरूरत नहीं होगी ना तब ये गर्म पानी देगा। क्या कहूँ इसके बाद में, अब मेरे को जरूरत है तो गर्म पानी दे नहीं रहा है।
और ये एज यूजल यहीं बैठी मिलेगी मेरे को हमेशा के हमेशा। अभी तेरे पास और कोई कामकाज नहीं है क्या? मतलब कि इसके पास और कोई कामकाज ही नहीं है, ये यहीं बैठी मिलेगी मेरे को। और अरे मेरे को क्या, सबको यहीं बैठी हुई मिलती है ये, क्यों बोलो? हाँ कि ये यहीं बैठी हुई मिलती है ना। तो जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो अभी तू कैमरा लेके आता है, इसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है इसमें। जब बाहर जब कर रहा तू है यहाँ बैठू के कैमरा चालू कर दिया मार तू। नहीं नहीं बोलो आप मार दू। सॉरी नहीं नहीं एक 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 मार दू। किटकैट खिलाऊंगी, एक किटकैट की रिश्वत दे दी है हफ्ते में, खिला दूंगी। फिर छोड़ दिया, किटकैट खिलानी पड़ेगी लेकिन साली वो किटकैट भी मेरे से ही मंगवाएगी कि एक किटकैट लेके आना और फिर मेरे को खिलाएगी भी नहीं, एक बाइट देके बाकी पूरी किटकैट गायब। और ये इधर हमारी मोनिका जी बना रही है रोटियां जी, लौकी और चने की, क्या बात। और ये नितिका गेट खोलेगी। ये लड़की सिर्फ घूमने के अलावा कोई काम नहीं, इज्जत के साथ रख दे वापस। गाइस मेरी गाड़ी आज चोरी होते होते बच गई। पता है आज मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी कैसे? हमारी जनता बताएगी आपको कैसे, हकीकत में चोरी हो गई थी। मेरे तो सारी जनता, आप ही हो, बता दो आप। जनता मैं नहीं हूँ, जनता तो जनता ही है, क्यों गाइस? सो चलो गाइस ये व्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि अब मैं बहुत पूरा थक चुका हूँ। सो चलो गाइस अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, शबखा, शबरात्रि आज अभी होगी मेरी तो शबरात्रि, ठीक है। चलो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो थोड़ी बहुत हमारे लिए, मतलब कि हमारे लिए थोड़ा सा लाइक कर देना, ज़्यादा नहीं मांगते हम, थोड़ा सा लाइक मांगते हैं, ज़्यादा तो ऑटोमेटिक आप लोग कर ही देते हो, मत सिर्फ थोड़ा सा मांगता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो चलो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, तब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।